अभी हम वेक्टर डिफ्रेंसीशन सीखेंगे वेक्टर डिफ्रेंसीशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है कोई वेक्टर लिया है हमने ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप जहाँ पर ए है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप वेक्टर की डायरेक्शन है यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने ए कैप उसकी डायरेक्शन को हम आउट सेम मान रहे हैं मीन्स अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशियट कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि टाइम के साथ साथ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो अब हम इसको डिफरेंश करें मतलब डी ए वैक्टर डी टी ये किसके बराबर हो जाएगा ए वैक्टर की जगह हम लिख सकते हैं ए ए कैप तो ये बराबर हो जाएगा डी डी टी ऑफ ए ए कैप अब देखिए ब्रैकेट में दो फंक्शन हैं ए और a कैप तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स डी डी टी ऑफ ए कैप प्लस सेकेंड फंक्शन ए कैप इंटू डी डी टी ऑफ ए अब देखिए शुरू में जो हमने लिया था एक कैप को यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ली थी इसका मतलब क्या हुआ अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो वैल्यू देगा हमको पता है किसी भी फंक्शन का जो कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है उस उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है क्योंकि एक कैप का मैग्नीट्यूड वन है जो कि कॉन्स्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम थ्रू आउट है इसलिए हम इसको ज़ीरो लिख सकते हैं तो इस तरीके से डी डी टी ऑफ ए वैक्टर क्या हो गया डी ए डी टी मीन्स हम मैग्नीट्यूड को डिफ्रेंशिएट कर कर देंगे इन टू यूनिट वैक्टर ए कैप अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर की टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज हो रही होती तो हम इसको जीरो नहीं लिख पाते उसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जब पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे